हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। आज मैं खड़ी हूँ रामनगर ब्लॉक के इटवा ग्राम पंचायत में। इटवा ग्राम पंचायत की आबादी लगभग 5000 है। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों के यहाँ पे 5 लोगों के कॉलोनी के लिस्ट में नाम आया था, मगर पता नहीं कैसे नाम कट गया, क्योंकि हम लोग के पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम आवास के लिए पैसा दे के हमारे भी आवास पास हो जाए। हमें जब पता चला कि हमारा नाम काटा गया और जहाँ पे कौल आदिवासी है वो नाम काट के अन्य जात भी दर्ज किया गया, तो इसके बारे में हम एक महीना लगभग हो गए डीएम को दरख्वास्त भी देने गए। डीएम साहब का कहना है कि आपके गांव में जांच करेंगे कि किस तरह से आप लोगों के नाम काटा गया है, मगर एक महीना हो गए कोई यहां पे अधिकारी जांच के लिए नहीं आए। जैसे आपके पास कॉलोनी नहीं है, कच्चा घर है, तो किस तरह से रहना पड़ता है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं? घर वाले झांक लग रहिया है, इतना खाने हैं का करी, मेरे घर नहीं है, इतना रही रही पाले हैं, अब दिक्कत का हो, दिक्कत होता है, पानी भर जाता है, अब का करी, तो दे परे बैठे रही थी, अब का करी, टाड़ना तो टाड़ना हमारी, गदे आदमी है नहीं, गदे नान नान के गदे है। कब कॉलोनी में नाम आया था? कॉलोनी तो हमारी जमी बानी है नहीं, कॉलोनी इनके साथ के कॉलोनी आई है, अब कोई पता नहीं है कि कहाँ चली गई। आवास तो बहुत लोग पैसा दे रहे हैं, उसी जो पैसा देता है 20,000 25,000 30,000 उसको आवास दिया जाता है। हमें पैसा देंगे कि हमें तत्काल दे देंगे कॉलोनी सिक्योरिटी, और पैसा नहीं देते इसलिए नाम नहीं देते हैं। हम जानते हैं कि पैसा किस बात का है, इनका पैसा नहीं देते हैं, तो अगर पैसा दे दें तो तत्काल दे देंगे। ये तो सरकारी सुविधा है, सरकारी सुविधा है, कौन बात का पैसा है, ये लोग देते हैं, ये लोग कैसे देते हैं, घर से मजबूत है तो देते हैं, अगर हम दे देंगे तो हमारी कॉलोनी खड़ी नहीं होगी। तो टोटल यहाँ पे कितने लोगों को आवास का नाम काटा गया है? कम से कम 20-25 आदमी हैं, लेकिन वो लोग बताएंगे नहीं, सब डरते हैं। अब हम फावड़ा करते हैं, हमें तकलीफ होता है, हमारे लिए घर भी नहीं, घर में हमारे पन्नी लगी है। तो आप कब गए थे, किस तारीख को गए थे डीएम को ज्ञापन देने? 8 तारीख को गए थे। कैसे जानकारी मिली कि आपके आवास कट गई है, तो आपको कहाँ पे दरखास्त देने गए थे? मैं शुरू में इस डीएम साहब के गए, मऊ गया, उनसे कहा कि सर मेरी आवास कट गई, तो हमको कहा कि कर भी जाइए अब जिलाधिकारी के पास। हम जिलाधिकारी के पास 3 बार गए, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई है, गरीब आदमी के पैसा कौड़ी है नहीं है, कि रोज दौड़े हम लोग, अब चुप पे घर बैठे साहब क्या करें। तो आप वीडियो साहब से बात की? वीडियो साहब यहाँ आए थे मेरे दरवाजे पर, तो मैं उनसे कहा तो कहें हो जाएगा, उनके पास गया भी कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, तुम्हारे गए जो गांव में ग्राम पंचायत में कुछ लोगों का कहना है कि हमारे लिस्ट में नाम कट गया है। अरे दहुहाई पूरा के हैं, कोले आदिवासी के कई लोगों का कटा है, लगभग 10 लोग का। नहीं प्रधान जी, हमारे तरफ से नहीं कटा। अब प्रधान जी बताइए, आपके गाँव में कितनी आवास आई थी इस साल पंचवर्षीय में? 274 हो, और 104 कोरोना। फिर अपने तरफ से कितनी बना के भेजे हैं लिस्ट में? हम तो बहन जी कम से कम 600 आदमी के भेजा है। हो, तो लगभग टोटल 1000 आपके गांव में आवास आ चुकी हैं। जी जी बहन जी जी, उनमें थोड़ी एक बात बता रहे हैं, लोग कंप्यूटर में थोड़ी चलती रही है, अच्छी से कर रहे माँ, ताकि हमारे जिले में नहीं हो। हाँ, इस कारण से कट गए हैं नाम। जी जी बहन जी जी। सर, रामनगर क्षेत्र के इटवा ग्राम पंचायत है, वहाँ पे काफी लोगों का कहना है कि हमारा 2021 या 20 में कॉलोनी में नाम आया था और लिस्ट में नाम कट गया है, तो इसका क्या कारण है सर? पहले तो बताना चाहेंगे कि चार ग्राम पंचायतों में हमारे जो पोल निवासी हैं उनका सर्वेक्षण कराया गया है, और उन सभी की पोल सम्मान अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत उन्हें आवास के साथ साथ अन्य सभी योजनाओं से संतुष्ट करने के हमारे शासन, हमारे मुख्यालय की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें क्रमवार
आवास के लक्ष्य आएंगे और सभी को आवास पुनः उसी क्रम में जिस क्रम में उनका सर्वेक्षण किया गया है आवंटित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार द्वारा सभी को घर देने का वादा किया गया था, लेकिन यहां तो ग्रामीणों को ही आवास नहीं मिल रहा। फिर ग्रामीण योजना होने से भी क्या लाभ, जब योजना के लाभ पाने वाले लोगों तक ही नहीं पहुंच रही। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।